हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू आर चैनल। आज वेडनेसडे है और सुबह के 10:10 हो गए और अब हम जस्ट निकले यहाँ से आई के होम स्टे से पुणे के लिए। बीच में एक आधे घंटे का काम है, विराज का नए ऑफिस का कुछ हैंडओवर का काम है, इसलिए हम लेट निकले, नहीं तो हमारा प्लान तो जल्दी निकलने का था 6:37 को। हमारा प्लान था ना, वो है रात में जंगल में बहुत एनिमल्स होते हैं, हम जंगल में जा रहे हैं ना। हाँ, वो जंगल में एनिमल से करके हम लोग को जल्दी जाने का था, बट अभी वो थोड़ा लेट जाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन एंड अब रिटर्न जा रहे हैं, तो लेट्स सी कितना देर में पहुँचेंगे पुणे। इतना लेट हम कभी गए नहीं है, बट आई थिंक जो मेजर सेक्शन कुछ भी ऐसा थोड़ा सेक्लूडेड एरिया है वो तो क्रॉस हो जाएगा। विराज ड्राइवर है, हमेशा ड्राइवर ही है वो। तू कब बनेगा ड्राइवर? नेक्स्ट ईयर। तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं हमारे रिटर्न जर्नी में हमारा कैसा होता है आज का दिन। अब हम विराज के ऑफिस के पार्किंग में जस्ट पहुँचे हैं। ये ऑफिस नया ऑफिस है, हम विराज ने भी शायद देखा नहीं है, नहीं देखा। तो आज ही सभी देखेंगे। ए बस, तो नया ऑफिस है ये बिल्डिंग, इतने ज़्यादा लोग ऑक्यूपाई भी नहीं किया होगा। चलो गाड़ी में थोड़ा हवा कम है, तो यहाँ पे हम लोग सूरतकाल के पास में एक पेट्रोल पंप के पास रुके हैं। ये ऑफिस का ओपनिंग हुआ तो वर्टेक्स जो कंपनी है जिनके वहाँ पे हमने एक्सेलरेट ओपन किया, विराज का ऑफिस ओपन किया, हाँ इन्होंने एक कुछ गिफ्ट दिया है। ग्रो गुड थिंग्स टुगेदर, ग्रोइंग कैंडल्स। व्हाट इज दिस? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें कैलेंडर है और अंदर कैंडल है। ऊपर का क्या, पेन का पेन लगाने को है क्या? वो निकाल सकते हैं थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वो पेन अच्छा नहीं, वो शायद से पेन स्टैंड, वो पेन स्टैंड है और कैंडल उसमें। ये क्या है? ये भी देखो क्या है वो, मुझे क्या बताए। इसे हाँ निकाल के पेन स्टैंड जैसा यूज कर सकते हैं। ये क्या है? वो नहीं पता, वो उधर अभी पुणे जाके ओपन करें उसके इधर देखिए। हाँ ठीक है, अपन बाद में पुणे जाके। बट थैंक यू टीम वर्टेक्स फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। क्या है वो? यस अक्षय, थैंक यू। ये करके अब हवा भर के हमें यहाँ पे हेलंगड़ी के यहाँ पे एक टर्न लेना है। कल हम लोग का सब टेंपल का दर्शन हो गया था, बट हमारा जो दैव है वहाँ पे हम जा नहीं पाए दर्शन लेने के लिए। तो सोचा था कि आज ऑफिस का काम करके, वैसे ही लेट हो ही गया है, तो थोड़ा एक आधा घंटा और ही सही जाके आते हैं। ऑन द वे पड़ता है, थोड़ा अंदर है बट ठीक है, वो करके ही जाएंगे वापस। मैं विराज तो आएंगे वापस, बट मैं वापस कब आने वाली हूँ अभी तक मेरा कुछ प्लान तो है नहीं, तो उस हिसाब से एक बार जाके आते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे पुणे जाने के लिए। अब हम यहाँ पे पंजाब आकिमर गुत जो हमारा एंसेस्ट्रल हाउस है वहाँ पे आए हैं। एक बार थोड़ा तो हमारा मिस होता ही है टर्न, बट तो इस बार ठीक है, जल्दी पता चल गया, ज़्यादा अंदर घुस नहीं है। रस्ते छोटे बट विंडो नीचे करते ही एक ऐसा फ्रेश स्मेल आता है यहाँ पे, कोई पोल्यूशन नहीं कुछ नहीं, गर्म है बट इट्स फाइन।
ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारा एंसेस्टर हाउस है यहीं से सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एंड अपने रिस्पेक्टिव घर बनाए लोगों ने। यहाँ पे अभी कहीं तो आगे थोड़ा पार्किंग को जगह है, वहाँ पे पार्क करते हैं। तो खाली आए जागा चढ़े ला होते लास्ट टाइम तिथे लावली होती अपन। यहाँ पे बारिश में पूरा पानी भरा हुआ रहता है तो फिर इस बार अभी ड्राई है तो गाड़ी लगाने को गया। अच्छा यहीं से जाके आएंगे पीछे के पीछे से। लेट्स गो। सो हम जो भी गांव आते हैं हमारे नेटिव आते हैं तो यहाँ पे आए बिना मतलब इधर दर्शन लिए बिना हम वापस मोस्टली नहीं जाते, हर बार तो जाते ही जाते हैं। तो ये भी हो जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। तो लेट्स गो चिको, चप्पल पहन लो। अभी हो गया हमारा यहाँ पे प्लान, तो था सिर्फ 10 मिनट रुक के निकलना है बट वो 10 क्या 1.5 घंटा हो गया आई थिंक। हम यहीं पे है क्योंकि हमें एक हमारे रिलेटिव्स मिल गए तो और वो निकले विराज के कजिन जो श्रेयस दादा है उनके पहचान के और हमारे यहाँ पे रहने के लिए है। अभी यहाँ पे नाग देवता को प्रयास करते हैं उसके बाद निकलेंगे पुणे के लिए। आज तो कुछ हमारा भरोसा नहीं हम कब पहुँचेंगे बट ठीक है। तो हमारे जो रिलेटिव्स एक्चुअली नासिक के फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो मेरी नानी है और मेरे नाना जी है उनके फ्रेंड की फैमिली और मेरे मॉम एंड एवरीबॉडी हमारे फैमिली में उनको पहचानते हैं तो वो लोग का घर यहीं पे है, मुझे पता नहीं था। तो हम उन्हें मिले थोड़ा, एक्चुअली गए थे। हमारे में एक कल्चर एक है कि जब भी हम हमारे फैमिली हाउस आते हैं तो वहाँ के जगह का पानी पीना एक प्रसाद की तरह हम मानते हैं। तो इसलिए मैं ढूंढते हुए वहाँ पे कोई है क्या करके किसी के वेल में से थोड़ा पानी दे दे ऐसे करके मुझे और आनने को पीना था। तो जब हम ऐसे देखने लगे देखा तो सब फैमिली निकली एंड लास्ट टाइम हम आए थे वो लोग नहीं थे यहाँ पर बट इस बार मिले। तो बात करते 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 इतना पहुँच गया कि हम लोग एकदम क्लोज, मतलब वो ऑफकोर्स जो आंटी और वो जो एक अजी थी वो तो हम मैं तो उनको पहचानती हूँ बट उनके जो अलग बाकी और थे हस्बैंड और फैमिली के कज़िन वो तो विराज के पहचान के निकल गए। तो विराज उधर लग गए बात करने को एंड अगर जस्ट मेरे पहचान के होते तो मैं तो 15 मिनट में उठ जाती कि चलो चलो पुणे में मिलते हैं बट विराज तो बोलते 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 इतना हो गया कि हम फिर बैठ गए। अब निकलते हैं पुणे के लिए, देखते हैं मैप में कितना देर दिखाता है। अभी तो ऑलरेडी 1 बज चुका है, 1 o'clock हो गया है तो 14 आवर्स के हिसाब से क्या पता कितना बजे पहुँचेंगे। अभी तो सुबह 4-5 बजे पहुँचेंगे। ऐसा फील हो रहा है कि कल छुट्टी ले लेना चाहिए मुझे क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाने वाला है पहुँचते पहुँचते। ठीक है, इस बार हमारा हर चीज़ एक नया एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए, हर चीज़ मतलब इंक्लूडिंग लीविंग सो लेट फ्रॉम मैंगलोर। तो लेट्स गो एंड सी। यहाँ से एक फूल भी तोड़ के मिल गया अनन्या को। अनन्या अभी सोने के मोड में है, पूरा यहाँ पे पिल्लो सेट कर दिया है, आई मास्क लगा लिया है, एसी वीसी लगा के अभी जहाँ पे भी हम लंच के लिए रुकेंगे तब तक मैडम सोएंगे। चलो सो जाओ। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं मरवंते बीच जो है, जो हम लोग जाते वक्त आप लोगों को दिखाया था हमने। एक साइड में बीच है एंड दूसरे साइड में यहाँ पे बैकवाटर्स है। तो यहाँ पे हमारा एक थोड़ा सा हमने एक ब्रेक लिया है, अनन्या ऑलरेडी सोई हुई है, अगर जगी हुई होती तो थोड़ा सा उसको भी दिखाते। बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है यहाँ पे, इतना पीसफुल है, देखिए दूर दूर तक एकदम नीला नीला पानी एकदम ठंडा वहाँ पे, भले बहुत दूर तक बड़ा बट काफ़ी ठंडा है।
यहाँ पे ऐसे पूरा सीन देखते देखते जाने के टाइम जो पीसफुल लगता है यहाँ पे, जो मज़ा है यहाँ पे, वो कहीं और नहीं है, डेफिनेटली कहीं और नहीं है। तो हम अभी हम लोग जब जा रहे थे तभी वो पूरा पैच हमें अंधेरा था, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट 6 बजे के बाद ही पहुँच गए वहाँ पे, तो अभी हमें फुल क्लियर कट दिखाई दे रहा था, तो इतना मस्त लगा, बड़ा मज़ा आया देख के एकदम। देखिए यहाँ पे विराज तो बाहर निकल के थोड़ा सा पैर वैर स्विच कर रहे हैं एकदम। हमने अब थोड़ा सा एक लंच के लिए ब्रेक लिया है, शाम के 4 बज चुके हैं और हम हमारे हमेशा वाले स्पॉट पे रुके इंटरनेशनल। जाने के टाइम तो रुके नहीं थे, लेकिन लेट हो गए थे, बट आने के टाइम हमें ये बेटर लगा लंच के लिए, भी निकले और अनन्या तो पूरा रास्ता सोई थी, अभी खाना खाते तो अभी जल्दी नहीं सोएगी, और मुझे अभी थोड़ा देर मेरा हुआ नहीं, अब थोड़ा खाते हैं। मैंने वेज मील्स मंगाया है और विराज खा रहे पाव भाजी, खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 200 किलोमीटर 650 किलोमीटर। अब 4:47 हो गए और हो गया हमारा खाके सब, तो अभी निकलते हैं यहाँ से अब और 10 घंटे का ट्रैवल दिखा रहा है, तो पहुँचते देखते हैं अभी कितना देर और लगेगा। 3:30 तो पहले दिखा रहा था मिडनाइट, तो मिडनाइट ही पहुँचेंगे, चलिए चलते हैं। चिकू तू अभी कभी सोएगा? कल हाँ। अभी तो नहीं सोने वाले नहीं। हम कल सोए, वो देखो फिश करी। क्या है? फिश करी है। फिश करी, हाँ यस यस, बोर्ड में फिश करी है। चलो अभी विराज थोड़ा अंदर मैप चेक कर रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे ही उतर गई, जस्ट ऐसे ही सोचा यहाँ पे बहुत अच्छा है, थोड़ा शूट वूट किया जाए। ये है गंगावली रिवर, हम लोग नॉर्थ कैनारा भी क्रॉस कर चुके हैं, तो नॉर्थ कैनारा क्रॉस हो गया, तो बेसिकली हमारा जितना भी ये वाटर बीचेस वो सब बीचेस तो पहले ही दिखना बंद हो गए थे, अब ये जो रिवर्स भी है वो भी कम होते जाएंगे एज कम्पेयर टू बिफोर। वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 5:07, 5:07 हो गए, मैप पे जितना टाइम दिखा रहा है ऐसे थोड़ा सा टेंशन भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग कभी भी इतना रात को ऐसे कभी हमने ट्रैवल नहीं किया है, हम लोग यूजुअली 8 बजे मैक्स 8 बजे घर पे रहते हैं, गिवन 7 बजे 6:30 6 बजे सुबह निकले थे, फेब में जब आए थे तभी तो हम लोग 5:30 बजे आई थिंक निकले थे पुणे से, और इस बार तो हमने एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर दिया, हम 1:30 बजे को तो पंजा से निकले, तो आराम से जाएंगे, कुछ रश नहीं करेंगे। कल ऑफिस है दोनों को भी, अनन्या की स्कूल है बट अनन्या नहीं उठ पाएगी स्कूल के लिए, क्योंकि हम उठते ही हमें आई थिंक कुछ हमें पहुँचते ही 3:30-4 बज जाएंगे मिडनाइट। कल देखते हैं ऑफिस का कैसा होता है, अगर थोड़ा फ्रेश है तो लॉग इन करके फिर जल्दी लॉग ऑफ कर लूँगी, या तो फिर छुट्टी लेना पड़ेगा, बट ऑलरेडी काफ़ी दिन की मेरी छुट्टी थी प्लान, और प्लस मंडे को घर का ओपनिंग है, पनवेल में जो भैया का घर है वो नया हुआ है, तो उसका ओपनिंग के लिए भी छुट्टी डाला है मैंने, तो फिर बहुत ज़्यादा छुट्टी और काम, देखते हैं लेट्स सी। अभी फ़िलहाल चलते हैं, ओके। और ये लड़की का छपड़ इतना बड़बड़, ये बंद करना है मुझे। क्यों बंद करना है? चलो लेट्स गो। पापा है खिड़की बंद कराते हैं। डांस वाल बनाने का
टिंग 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 जब को स्टिकर शाम के 7 बजने आ रहे हैं। ये भी एक हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है कि इतना रात को हम लोग घाट से ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमेशा हाईवे पे और घाट पे यही होता है कि रात के वक्त में सारे ट्रक निकलते हैं, तो उस वजह से एंड प्लस घाट है तो ओवरटेक करने का भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए स्लोली जा रहे हैं। देखिए बाहर काफ़ी सारा हैवी व्हीकल्स निकले हुए हैं और कर्व बहुत कर्वी रास्ता है, एकदम शार्प। अरे भाई हम यही रास्ते से आए थे अक्षु, यही रास्ते से दिन में आना और रात में एक अलग है। घाट हमेशा रात के वक्त तो मुझे एकदम स्लो स्टडीली जाने जैसा ही लगता है, जाना चाहिए, ज़्यादा रश करना नहीं चाहिए। अभी तो जस्ट अंधेरा, अभी हल्का फुल्का अंधेरा हुआ है, अभी तो पिच डार्क अभी तक तो हुआ भी नहीं है, स्काई दिख रहा है फिर भी। होपफुली ये रास्ता हमारा जो है पूरा जल्दी से कवर अप हो जाएगा, अच्छा होगा। अनन्या ऑलरेडी यहाँ पे सो गई है, शायद सोई है चादर वद्दर ओढ़ के, तो अभी थोड़ा ये रास्ता निकल जाए फिर मैं भी शायद सो जाऊँ। अरे नहीं सो, ये है जगी है जगी है। हमने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया है, शेल पेट्रोल पंप के यहाँ पे ही रुक गए और यहाँ पे एक अच्छा शेल सिलेक्ट मतलब स्टोर होता है, वॉशरूम इज़ वेरी क्लीन। यहाँ पे फ्यूल कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा है बट इट्स ओके लगता है क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए इज़ अ गुड थिंग। एंड आफ्टर 1 week और सो ऐसा ठंडा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, एकदम विंटर वाली फीलिंग आ रही है। तो हमने सोचा कि हम खाना हमारे यूजुअल जगह पे ही खाएंगे गोवा वेस्ट में, तो तब तक थोड़ा स्नैक्स खाएंगे। आनंद ने भी सबने अपना अपना सब सीए लिया, तो अभी विराज को भी थोड़ा रिलैक्स होने के लिए करके रुक गए, तो चलते हैं। चले लेट्स गो, आज चिप्स भी खाना है ना, उसको भी चिप्स खाने है करके शी वांट्स टू गो इनसाइड। यू लाइक उल्लू? रात के अब 11:20 हो गए, हम लोग अब डिनर के लिए ज़रा रुके हैं यहाँ पे गोवा वेस्ट करके एक होटल में, जो हम हमेशा यहाँ पे रुकते हैं, हमेशा लंच के लिए रुकते हैं, आज डिनर के लिए यहाँ पे रुके। इन्होंने यहाँ पर मुझे नींद लग गया था खाना, और बहुत ठंड है यहाँ पे, ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम। तो हमारा खाना हो गया, बहुत अच्छा खाना यहाँ पे, एनी टाइम ऑफ द दिन रात जाए सेम क्वालिटी फूड मिलता है। एंड यहाँ पे ज़्यादा शूट कर नहीं पाई क्योंकि अनन्या बहुत ही ज़्यादा स्लीपी थी एंड उसे बहुत गहरे नींद से उठा के हम लोग वहाँ पे लेके गए, थोड़ा सा ही खाया उसने पर ठीक है जो भी है। और वहाँ पे ज़्यादा बाहर शूट कर नहीं पाए बिकॉज बहुत ठंड है बाहर, हाईवे पे बहुत विंडी है, वैसे हाथ फुल फ्रीज हो गए। आई थिंक बैंगलोर में एक्सेस ह्यूमिड वेदर के बाद यहाँ पे अब वो रियल जो ठंड होती है, एंड हाईवे पे तो डेफिनेटली ठंड वैसे भी होती है, तो वो फील हो रहा है, तो इसलिए अब सोचा निकल लेते हैं। मैप पे अभी और 4.5 hours का जर्नी दिखा रहा है, अब वक्त हो रहा है 12:20 हो गए। आई थिंक अराउंड 1:05 तक पहुँच जाएंगे हम लोग, आराम से ही जाना है, कुछ रश नहीं करेंगे। मेरा एक वापस नींद हो गया था तो अभी 1-2 hours शायद नींद नहीं आएगा मुझे, तो अन्य सो गई है, उसकी ज़रूरत है सोने की, पूरा दिन वो इतना ज़्यादा सोई नहीं थी। तो अब आगे देखते हैं कैसा हम कितने देर में पहुँचते हैं, रास्ता बहुत ही अच्छा है, क्लियर है, कुछ ट्रैफिक नहीं है, कोई नथिंग। वैसे भी ये 2-way है, मतलब 4-way है, यहाँ पे 2 वहाँ पे 2, तो ईजी टू गो। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं कितने देर में हम एग्जैक्ट पुणे पहुँचते करके। हम सुबह के कुछ अराउंड 5:30-6 o'clock को पुणे पहुँचे क्योंकि नाइट ड्राइव हमने कभी नहीं किया था, तो थोड़ा आराम से आए और बीच में हमने थोड़ा 1-2 ब्रेक लिया था, लंच ऑफ कोर्स, फिर थोड़ा सा स्नैक ब्रेक लिया एंड फिर डिनर हमारा हुआ गोवा वेस्ट में जैसा आपने देखा। तो स्मूथली आराम से आए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हमारा ये सारा एक्सपीरियंस रहा है। और कल फिर सुबह तो आज बिल्कुल मेरे में ताकत नहीं थी क्योंकि मुझे थोड़े देर नींद करके ऑफिस का काम करना था,
और अब रात के बज रहे हैं 9 और अभी तक मैं काम कर रही हूँ। आज मैं सुबह थोड़ा 10 के बदले 11:30 बजे लॉग इन किया था और काफ़ी छुट्टी के बाद का बैक लॉग बचा था, तो सोचा वो सब ख़त्म किया जाए और ये व्लॉग को भी ख़त्म किया जाए। बस इतना ही, अभी रोज़ व्लॉग नहीं आएगा, बैक टू नॉर्मल होगा। हम वीक में एक ही बार व्लॉग्स करेंगे जैसे हम अपना करे आ रहे हैं, जस्ट वो अब वेकेशन स्पेशल था करके रोज़ व्लॉग्स आ रहे थे। सो आई होप आप सभी को हमारा ये पूरा एंटायर मैंगलोर स्पेशल व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। कल नहीं, नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड नाइट एंड बाय।